जिनका हर फील्ड में बड़ा गहन तजर्बा था। हमारे बीच में एमएस मलिक जी, जो हमारे कई जिलों के अधिकारी हैं, फॉरेस्ट के एसडीएम मैम गायत्री अलावा जी, जो अभी बतौर एसडीएम एक दो दिन पहले ज्वाइन किया है, और ज्वाइन करने के बाद ये इनका भी हमारा आप सबका सौभाग्य है कि आज बहुत शुभ अवसर पर ये आपके बीच में शामिल हुई। मैं इनका मैम ज्वाइन करने पर, मैम एसडीएम के तौर पर काम शुरू करने पर अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। हमारे बीच में रमेश भाटिया जी, जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, निगरानी कमेटी के, रोहतक लोकसभा के अध्यक्ष हैं और हमारी चुनाव समिति के सह संयोजक हैं, और मैं बीजेपी में भाई शामिल हुआ उस समय ये जिला अध्यक्ष थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी मैंने भाटिया जी की कलम से ही ली थी। हमारे बीच में हमारे शमशेर खड़क जी हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं जिला के, फतेह सिंह जी चेयरमैन हैं, सैंकी गिरधर जी वाइस चेयरमैन हैं, हमारी डीओ मैडम हुड्डा जी और विजय लक्ष्मी जी नांदड़, और सम्मानित मंच। और आज जो ये पौधा प्रेमी, पौधारोपण, जल ही जीवन, मैं कहूंगा पौधा ही जीवन, क्योंकि जल पौधे से बना। और जब आदि काल में मानव की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने जन्म लेते ही पौधा ही उनका जीवन था। वो पौधे में से ही खाना, उसी में से ही पहनना, उन्हीं के पत्तों से, और उन्हीं में रहना, उन्हीं में सोना, उन्हीं में खाना, और इन पैदा पौधों से ही आज ये विकसित दुनिया बनी। और आहिस्ता आहिस्ता विज्ञान ने अपना काम किया, विज्ञान का जो आविष्कार हुआ, आज हम जो भी चीजें अपने आसपास देखते हैं उनके मूल में आपको पौधा मिलेगा। और पौधे के प्रति जो प्यार है, और आज जो हरियाणा सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिया है, प्रेरित करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, उत्साहित करने के लिए, कि 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं वो पौधा लगा के जो सेल्फी भेजेंगे उनको 50 रुपए उसकी परवरिश के लिए, पौधे की परवरिश के लिए सरकार देगी। ये उत्साहवर्धक है, बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत ही कर्मशील जुझारू मंत्री मनीष ग्रोवर जी को यहां शामिल होना था, वो कल मंत्रिमंडल की मीटिंग थी चंडीगढ़ में व्यस्त रहने के कारण मुझे यह संदेश मिला कि आप जो है मेरी जगह वहां शिरकत करेंगे। तो आज मनीष ग्रोवर जी हमारे बीच में होना था लेकिन किसी कारणवश नहीं आए, उनका भी मैं अभिनंदन इसलिए करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन, के चारों हलके रोहतक जिले के एक मंत्री होने के नाते उन्हें बराबर विकास किया, चाहे को कार्यक्रम हो, चाहे को विकास हो, चाहे रोडों का काम हो, चाहे रेल का काम हो, चाहे दूसरे विकास के काम हो। आज हम बड़े मजबूती के साथ, दावे के साथ, हमारी जो टीम रोहतक की है जिसके कप्तान मनीष ग्रोवर है, हम इस बात के लिए आज गौरवान्वित अपने आप को ये कहते हुए महसूस करते हैं कि आज मैं मलका 90 के 90 हलकों में
किसी से कम नहीं है, वरना हम नारा लगाते थे पिछली सरकारों में कि हरियाणा नंबर 1 तो मैम नंबर 90 क्यों। आज मैं दावा कर सकता हूं कि 10 साल का जो कार्यकाल या 15 साल का जो कार्यकाल उससे अगर तुलना करें तो 5 साल के कार्यकाल का आंकड़ों के साथ अगर विकास को ले तो हमारा पलड़ा आपको भारी मिलेगा, कहीं 100 ग्राम कम नहीं मिलेगा, आधा किलो ज्यादा मिलेगा। और ये सारे की सारी हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, जिनका ये ग्रह क्षेत्र है, जिन्होंने इस मिट्टी में जन्म लिया ननाणा गांव में। आज मनोहर लाल जी ने सबका विकास समान विकास, कोई हल्का ये नहीं कह सकता कि हम उपेक्षित हैं। हमारा विधायक बीजेपी का नहीं है इसलिए विपेक्षित है, जहां हमारा विधायक था वहां भी, जहां नहीं था वहां भी पूरी तरह से विकास किया, सर्वांगीण विकास किया, हर क्षेत्र में विकास किया, बिजली में सुधार हुआ, पानी के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने एक जल मंत्रालय अलग से बनाया है और जल को बचाने के लिए एक अभियान मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले रोहतक में जो शुरुआत की। आज जल और पौधा ये आत्मा और शरीर है, इसको अलग नहीं किया जा सकता, और पौधा हमारे जीवन का भिन्न अंग है, हमारे जीवन की कल्पना करना भी बेकार है, बिना पौधे के आप कर ही नहीं सकते, जीवन हो ही नहीं सकता। पौधा होगा तो जीवन होगा, पौधा होगा तो जल होगा, पौधा होगा तो हम जिंदा रहेंगे, वरना हमारा जीना भी संभव नहीं। इसलिए यह अभियान कितना महत्वपूर्ण है और सरकार कितनी गंभीरता से इसको ले रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। मलिक साहब ने बताया कि 2.5 लाख पौधे वितरित किए हैं और लगातार वन विभाग का प्रयास है, और आप हम सब अपनी जिम्मेदारी मान के आज जाते ही यहाँ फ्री पौधा वितरण हो रहा है, एक एक पौधा लेके आज से ही पौधारोपण करके मुख्यमंत्री जी का ये सेल्फी भी भेजे ये बच्चे, और आप भी अपनी जिम्मेवारी मान के, अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान के, हमारी सामाजिक जिम्मेदारी मान के एक एक पौधा अवश्य लगाएं, और 100, 200, 400, 1000 लगा दो तो सोने बसवागा, बहुत अच्छी बात। ये पौधा लगाना हमारी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। इन्हीं शब्दों के साथ लंबी बात ना करते हुए मैं अपना संबोधन यही समाप्त करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, भारत माता की, ऊंची आवाज में भारत माता की, हरियाणा प्रदेश की, यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की, नरेंद्र भाई मोदी की, मनीष ग्रोवर की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।